नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो गई है। इसे पोलो सैटेलाइट व्हीकल PSLV C57 से लॉन्च किया गया। इस मिशन के दौरान आदित्य L1 सूर्य से दूरी का महज 1% यानी 15 लाख किलोमीटर ही तय करेगा और इसे यह दूरी तय करने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। इसरो के अनुसार इस सूर्य मिशन के अध्ययन से हमें सूर्य के गतिशील परिवर्तनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी और हम यह समझने में सक्षम होंगे कि सूर्य हमारे सौर मंडल और पृथ्वी पर कैसे प्रभाव डालता है। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वायुमंडल की हीटिंग के बारे में भी हमारी समझ को और गहरा करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में CM भूपेश बघेल ने गांधी परिवार के लिए ATM बनने का काम किया है। माफिया और अपराधियों के कारण राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। शाह ने कहा कि यह दुष्कर्म के 5,900 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटकाया गया है, प्रदेश में विकास की धारा रोकी गई। इतना ही नहीं, भूपेश सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बढ़ा है। आजकल लोग कैश का यूज करने के बजाय छोटे से छोटे पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कारण देश के UPI ट्रांजैक्शन यानी UPI में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने अगस्त के जारी किए गए आंकड़ों में इस बात का खुलासा किया है। NPCI के अनुसार अगस्त 2023 में देश भर में 10 अरब से अधिक UPI लेन देन किए गए हैं। वहीं इस दौरान UPI लेन देन के जरिए 15,18,486 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि अगस्त 2022 के UPI ट्रांजैक्शन की तुलना में करीब 50% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया है। इस सूची में 3 केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को A+ रेटिंग दी गई है, जिनमें दास शीर्ष पर रहे। वहीं स्विट्जरलैंड के गवर्नर थॉमस जे जॉर्डन दूसरे और वियतनाम के गवर्नर गुएन थी होंग तीसरे स्थान पर रहे। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण, आर्थिक वृद्धि लक्ष्यों, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन में सफलता के लिए Grade A से Grade F तक के पैमाने होते हैं। इससे पहले लंदन सेंट्रल बैंक ने जून 2023 में शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा था। राष्ट्रपति अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन राजभवन में विशेष संरक्षित जनजातियों के विद्यार्थियों और अन्य सदस्यों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारा देश चंद्रमा तक पहुंच गया है, कमजोर जनजातीय समूह को भी आगे बढ़ना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ लेकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होकर देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए और अपने और समाज को भी आगे बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रपति के संवाद के दौरान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। सावन के महीने में राम भक्तों ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने का रिकॉर्ड ही बना दिया। सावन में मलमास के दुर्लभ संयोग के चलते सावन का माह 59 दिनों का रहा, तो वहीं भक्तों को 8 सोमवार मिले और इस दौरान करीब 10 लाख भक्तों ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक सत्येंद्र दास ने बताया कि वैसे रामलला के दरबार में हर रोज बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन सावन मास में भक्तों में अधिक उत्साह रहा। औसतन 20,000 भक्तों ने रोज दर्शन किया। प्रमुख तिथियां जैसे सावन के सोमवार, तृतीया, एकादशी और पूर्णिमा पर यह संख्या 2 से 3 गुना ज्यादा रही। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा असम में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक तैयार किया था, जिसे सार्वजनिक सुझाव के लिए प्रस्तावित किया गया था। अब इसी विधेयक पर जानकारी देते हुए शर्मा ने कहा कि हमें हमारे सार्वजनिक नोटिस के जवाब में कुल 149 सुझाव मिले हैं, जिसमें से 146 विधेयक के पक्ष में है। इससे साफ है कि बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के समर्थन में ज्यादा लोग हैं। इसके अलावा 3 संगठनों ने विधेयक पर विरोध जताया है। विधेयक को लेकर हिमंत बिस्वा सरमा ने आगे कहा कि विधेयक को लेकर अब हम प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ेंगे और अगले 45 दिनों में विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में G20 को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई। इस बीच समिट की तैयारियों को लेकर LG विनय कुमार सक्सेना ने मीडिया से बात की और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि बीते 2 महीनों से हमारा फोकस था कि दिल्ली ऐसे दिखे कि यहाँ कोई त्योहार होने वाला है।
हम इस काम में लगभग 2 महीने से लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब दिल्ली वैसी दिख रही है जैसा प्लान किया गया था, पर ये जल्दी हो जाता अगर दिल्ली सरकार ने पूरे साल यहाँ काम किया होता। इसके अलावा विनय कुमार ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल G20 की केवल एक बैठक में शामिल हुए जबकि उनका कोई अन्य मंत्री किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुआ। असम राइफल्स को उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग के साथ एक संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिजोरम के चंफाई जिले के बेथिलवेंग इलाके से 5 करोड़ से अधिक की हीरोइन जब्त की है। जब्ती के दौरान म्यांमार के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। ये ड्रग्स साबुन के डिब्बों में छुपा कर लाई गई थी। इस हीरोइन की कीमत 5.96 करोड़ रुपए आकी गई है। असम राइफल्स के महानिदेशक PC नायर ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि सीमा की रक्षा करने के साथ ही असम राइफल्स ने ड्रग्स और अवैध हथियारों के खिलाफ भी अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत बीते 4 वर्षों में 4,200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अभी तक 1,135 करोड़ रुपए की अवैध ड्रग्स जब्त की जा चुकी है। डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर ने एक और उपलब्धि हासिल की है। स्कैन एंड शेयर OPD टोकन के मामले में जम्मू कश्मीर कर्नाटक को पछाड़ कर अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में बीते 4 माह के दौरान 7,92,641 स्कैन एंड शेयर OPD टोकन सृजित किए हैं। प्रदेश में यह सुविधा अप्रैल 2023 को 71 स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू की थी। स्कैन एंड शेयर OPD की सुविधा का लाभ उठाते हुए लोग बिना कतार में लगे डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य की जांच के लिए पंजीकरण कराते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब सिंगापुर में भी भारत का डंका बज गया है। भारतीय मूल के शनमुगारत्नम को सिंगापुर का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने 70.4% रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों का शीर्ष पदों पर होना भारत के लिए गर्व का एहसास कराने वाला पल है। शनमुगारत्नम सिंगापुर के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की सहायता के बाद भी पाकिस्तान की आर्थिक सुधार की राह बहुत कठिन है। पाकिस्तान में महंगाई लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। पाकिस्तान के सांख्यिकी विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई की खाद्य मुद्रास्फीति 28.3% की दर से मामूली गिरावट दर्ज की थी। वहीं अगस्त में ये 38.5% के उच्च स्तर पर रही है। महंगाई की मार के चलते आज पाकिस्तान जनता दाने दाने का मोहताज है। OTT प्लेटफॉर्म पर कोटपा कानून को स्वास्थ्य मंत्रालय ने लागू कर दिया है, जिसके बाद अब OTT को भी सिनेमा हॉल की तरह वेब सीरीज और फिल्मों में तंबाकू से जुड़े चेतावनियों का प्रसारण करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार OTT प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत और मध्यम से कम 30 सेकंड की अवधि के तंबाकू रोधी जागरूकता वाली वीडियो प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान तंबाकू उत्पादों या उनके उपभोग के दृश्य आने पर तंबाकू से कैंसर होता है या तंबाकू जानलेवा है डिस्क्लेमर देना होगा। वहीं इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अंतर मंत्रालय समिति स्वतः प्रेरणा से या किसी की शिकायत पर कार्रवाई करेगी। बॉलीवुड एक्टर R. माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी FTII का नया प्रमुख बनाया गया है। एक्टर को हाल ही में फिल्म रॉकेट्री के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया पर एक्टर को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया के एक्स पर बधाई देते हुए लिखा कि R. माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामांकित होने पर हार्दिक बधाई। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट पर एक्टर R. माधवन ने आभार जताया और उन्होंने धन्यवाद देते हुए आगे लिखा कि मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा।